लिखा था, चाहिए वाला था? यस सर। क्या क्या सर याद है? क्या क्या चाहिए वाला था? चाहिए टाइप रिकॉर्डिंग पिछले वाला भैया। वांट वांट नीड और भी चाहिए टाइप। हाँ चाहिए टाइप भी थे। बनाना टाइप। कोई डाउट भी है उससे से पीछे वाला? नहीं सर, नहीं सर, नो सर। आगे का क्लास किया जाए? यस सर, यस सर। हमने अभी तक सीखा था वांट डिजायर और नेसेसरी वाला सीख लिया था ना, चाहना टाइप भी कर लिया था। यस सर। आज हम सीखेंगे रखना और चाहता है, चाहती है, वांट और नीड, है ना? ये नहीं किया था ना हमें? अगर चाहिए छोटा मोटा जरूरत है तो वांट होगा, और अगर बिल्कुल ही जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है, उसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा तो नीड। सर ये बता दिए थे वांट और नीड। हो गया ठीक है। अब यू वांट टू बी एन ऑफिसर, है ना? आई वांट टू गो, तो ये वांट और नीड वाला हो गया, है ना? आई नीड ए ग्लास ऑफ वाटर। आई वांट टू हैव ए ग्लास ऑफ वाटर। आई नीड टू हैव ए मेडिसिन, ये सब हो गया था ना? ठीक है। अब इसके आगे कोई काम करता होगा, ठीक है? यहाँ पॉसिबिलिटी है, संभावनाएं हैं, तो इसका होगा सब्जेक्ट प्लस मेबी प्लस प्रिंसिपल वर्ब आईएनजी लग जाएंगे। मेबी तब होता है जब डाउट होता है, ठीक है? और जब बिल्कुल क्लियरिटी होता है, स्पष्टता है, सर्टेनिटी है, तब मस्ट भी होगा, ठीक है? ये हम तब देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस मेबी या मस्ट भी और पीवी आईएनजी हो जाएगा, और उसके आगे ऑब्जेक्ट जो भी लगाना है, ठीक है? मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। बच्चे लिखते जाइए, अंशिका आपको लिखना भी है, सुनना नहीं। सीता तुम्हारा इंतजार करती रहेगी। सीता मे बी वेटिंग फॉर यू। आई मे बी स्टडीइंग। आई मस्ट बी रीडिंग। मैं जरूर ही पढ़ते रहूंगा, है ना? अवश्य करके अगर होगा। आज के बाद दिख रहे हैं, है ना? पर चले जाते कहीं। सेम सिंटैक्स सेम रहेगा, सब्जेक्ट प्लस मे बी या मस्ट बी और पी बी आई एन जी लग जाएगा, ठीक है? रीडिंग, राइटिंग, वॉकिंग। बोलिए सर, जैसे बोले मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा, तो यहाँ पे आई मस्ट भी होगा कि मे भी होगा? मस्ट भी होना चाहिए। अब देखिए ये क्या है ना, ये आप किस भाव से बोल रहे हैं। ग्रामेटिकली मे भी सही होगा, मस्ट भी सही होगा, समझ रहे हैं? किस भाव से? अगर आप एकदम समिटेड है, निश्चित आपको जाना ही जाना है, आप वेट जरूर करेंगे, है ना, तो मस्ट भी हो जाएगा। ये आपके भाव पर है, ग्रामेटिकल नहीं है, समझ रहे ना यहाँ तक? यस सर, यस सर, यस सर। हाँ, ये आपके टोटली किस संदर्भ में आप बात करना चाहते हैं, है कि नहीं? यस सर, डिपेंड अपॉन माय फीलिंग्स। हाँ, वो किस कंटेक्स्ट में है, किस प्रसंग में आप बात कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है? बस इतना ध्यान रखना है कि मस्ट भी है तो सर्टेनली हो जाएगा, और मे भी है तो डाउट है, और ये होता माइट भी होगा तो बहुत ही ज्यादा संदेहास्पद हो जाएगा। इनों लिख लीजिए, मे भी हो गया डाउट है, मस्ट भी सर्टेनली, और माइट भी मतलब बहुत ही ज्यादा डाउट है, मतलब बेयर चांसेस है कि वो आएगा, है ना? तीनों लिख लीजिए, तीनों का सिंटैक्स सेम हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस मे भी, माइट भी, मस्ट भी, पी वी आई एन जी प्लस सब्जेक्ट है। तीनों में मे भी में लिख लीजिए डाउटफुल, मस्ट भी में सर्टेनली, और माइट भी में टू मच डाउटफुल, कंफ्लिक्ट है,
पता नहीं आएगा कि नहीं, आ गया तो बहुत बड़ी बात हो गई है ना, तब माइट भी हो जाएगा। घोर उसको हिंदी में बोलते घोर संभावना है, ठीक है। कोई काम किया होगा, टाइटल दे दीजिए, कोई काम किया होगा, इसका सिंटैक्स लिखिए, सब्जेक्ट प्लस मे हैव मस्ट हैव और पीवी थ्री। यहां देख लीजिए, वहां भी अगर आपको याद होगा तो शुड हैव आता था तो पीवी थ्री आ जाते थे, जैसे हैव आएंगे ना तो प्रिंसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए रूल ले लीजिए, मस्ट हैव तो यहाँ सर्टेंटी रहेंगे, ठीक है, मे हैव तो डाउटफुल, और माइट हैव तो टू मच सर्टेन, टू मच डाउटफुल, घोर संभावना है। होता ना इसे कई बार, अभी बारिश होगी कि नहीं, अब बारिश का दिन है, बारिश हो सकती है, घोर संभावनाएं है, माइट भी, इट माइट रेन, जैसे बेंगलोर में शाम होते होते, आज भी देखिए हम ड्यूटी चाहते हैं तो ऑलमोस्ट अनेक टाइम बारिश होते रहती है, तो हम क्या बोल सकते हैं, इट माइट रेन इन द इवनिंग, घोर संभावना है, क्योंकि मैं तो बारिश कराता नहीं हूँ ना, मस्ट बी रेनिंग तो मैं कैसे बोल सकता हूँ, है ना, मे बी रेनिंग बोल सकता, हाँ मे बी रेनिंग मतलब आप बहुत ज्यादा स्वस्थ, लेकिन माइट भी ये तो ऊपर वाले इंद्र भगवान पर डिपेंड करता ना, कब नाराज हो जाए, कब खुश हो जाए, क्या हो जाए, है ना। तो ये संदर्भ समझ रहे हैं ना, संदर्भ समझिएगा, है ना। मैं तो यहाँ ये एक दो सेंटेंस दो तीन बताता हूँ, जब आगे आपको आपको बनाएंगे पैराग्राफ या क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो वहां आपको सही जो एग्जाम होता है कंप्रिहेंशन टेस्ट होते हैं कंपटीशन में, वहां यही टेस्ट करता है कि आप उसके अप्रोप्रिएट वर्ड आपने चुना है कि नहीं, है ना। जो ग्रामर का मतलब हुआ इसे नीचे एक्सप्रेस करता, वो तो उल्टा सीधा भी बोल देंगे, बच्चा बोलता है टुकड़ा टुकड़ा में भी तो उसके पेरेंट्स समझ ही जाते हैं, पर ग्रामर का मतलब हुआ एकदम सटीक अप्रोप्रिएट, ठीक है। कोई काम किया होगा, है ना, ये टाइप हो गया। तो इसमें सब्जेक्ट प्लस मे हैव माइट हैव मस्ट हैव और पीवी थ्री आ जाए। इसको एग्जाम्पल ले लीजिए कि तुमने राहुल का नाम सुना होगा, सर एक बार रिपीट कर दीजिए, तुमने राहुल का नाम सुना होगा। अब देखिए ये चीज तीनों लग सकते हैं, ग्रामेटिकली तीनों लग सकते हैं, हिंदी में मैं बोल रहा हूं कि आपने राहुल का नाम सुना होगा, अब आप जानते हैं कि राहुल उसके कितने करीबी हैं, रिश्तेदार हैं, है ना, तो अगर बिल्कुल ही करीबी ही है तो आप निश्चित मस्त बोलेंगे, क्लास में है तो आप बोल सकते हैं मे बी, और स्कूल में है, किसी और सेक्शन में है या किसी और स्कूल में है तो माइट भी, लेकिन वो पॉपुलर है किसी वजह से, न्यूज़पेपर में आया है या कहीं आया है ना, सोशल मीडिया में छाया हुआ, तो आप बोल सकते हैं कि माइट भी, तो ये हो जाएगा। यू मे हैव हर्ड, यू मे हैव हर्ड द नेम ऑफ राहुल, यू माइट हैव हर्ड, यू मस्ट हैव हर्ड, ठीक है, ये आप पर डिपेंड करता है, तीनों के तीनों ग्रामेटिकली सही होगा। समझ गया हमारी बात, बोलिए आई सी बोलिए। सर एक सेंटेंस बताना था। ठीक है, अभी सेंटेंस बोल दीजिए, अदरवाइज क्या कीजिएगा, जब एक टाइप का मैं बोलूंगा ना, बोल के जब मैं अगले पर स्विच होऊंगा, अगला टाइप पर, तब गैप दूंगा, हल्का सा पॉज दूंगा, ऐसे मैं पॉज देता नहीं हूँ, लेकिन मैं पॉज दूंगा, तब उस टाइम पूछिएगा, ठीक है। अभी क्या है, मैं फ्लो में, एक फ्लो होता है कोई भी आदमी का लयबद्ध है ना, फ्लो में जब जाते रहता है तो उसको जाने दीजिए, जाने दीजिए, फिर जब पॉज लेगा तब आप बोलिए, बोलिए आप बोलिए बोलिए। You may have heard the name of Anushka. हाँ बिल्कुल सही, हाँ मे हैव माइट हैव मस्ट हैव कोई भी हो सकता है ना, तो ये भी क्लियर हो गया। ये क्या हुआ, कोई काम किया होगा, है ना, संदेह यहाँ या सर्टेनिटी हो जाएगा तो मस्ट हैव, तो यहाँ यही देखना है कि यहाँ मस्ट हैव आ गया तो इसके बाद पीवी जो लगेंगे ये कौन से हो जाएंगे, तीसरा आ जाएंगे, लेकिन वहां हमने बोला मे बी, देखिए यही कनेक्ट कीजिए, अगर हम शुड भी बोलते थे
तो उसमें भी शुड बी रीडिंग, मे बी रीडिंग, यहाँ बी आ गया तो रीडिंग हो जाए, आई एन जी वाला हो जाए, ठीक है। तो ग्रामर भी काफी लॉजिक पर चलता है, ऐसा नहीं कि सब कुछ आपको रट्टा मारना है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सबका आपस में रिलेशन होता है, बस अब आपको कनेक्ट करने आना चाहिए। नेक्स्ट है, हाँ बोलिए, और कोई डाउट है किसी को इसमें? नहीं डाउट है, अगला। कोई काम किया होता, अगला लिख लीजिए, कोई काम किया होता, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस पीवी थ्री, इतना लिख लीजिए, फिर आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। मैं एग्जांपल एक ही दो देता हूँ क्योंकि फास्ट भागता हूँ, एग्जांपल दस दस भी दे सकता हूँ, है ना, फिर हम आगे देखेंगे, आगे हम ज्यादा एलोबरेट करा, अभी एकदम क्रिस्प करके मैं पढ़ा रहा हूँ, ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ। अब उदाहरण में लीजिए, कल अगर वो मेरे घर आई होती तो मैं उसे ढेर सारी मिठाइयाँ खिलाया होता। थोड़ा बड़ा हो गया, ज्यादा लंबा हो गया, समझाने के लिए सिर्फ इतना लंबा कर दिया हूँ, दो तीन सेंटेंस बना दिया ताकि आपको बेहतर से समझा दूं, ठीक है। स्टर्ड का रक्षाबंधन था, आप सबने बांधा होगा राखी, है ना, ये देखिए हमने भी बांधा है, चार चार राखी, लड़के बांधते हैं, लड़के ही बांध लिए। तुमको किसने बांध दिया? भाई ने बांध दिया तुमको अनुष्का? भाई ने नहीं, मेरी दोस्त जैसी बहन ने, बहन जैसी दोस्त ने, आयुषी। अच्छा अच्छा अच्छा, बहन बहन को भी बांध सकते हैं? हाँ, बहन बहन को, भाभी को भी बांधते हैं। अच्छा, हम लोग तो अभी फालतू में भ्रम में थे कि सिर्फ भाई बहन को बांधेगा। नहीं नहीं नहीं, बहन बहन भाभी को भी बांधते हैं। अच्छा, भाभी को बांधते, चलो नए परंपरा, अभी तुम लोग युवा हो, नई नई परंपरा इंट्रोड्यूस करेगी, है ना, हम लोग तो बुजुर्ग हो गए, सात सत्तर साल से हो गए। Yesterday, if she would have come, ठीक है, यहाँ देखो हमने बोलता है ना, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव, जैसे हैव आ गया तो पीवी थ्री आ जाएंगे, है ना, कहीं भी सेंटेंस में जैसे हैव आया समझ लो कि ग्रांटेड हो गया, ये पीवी थ्री लग जाएंगे, ठीक है। Yesterday, if she would have come to my house, I would make plenty of suits each to her, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हैं क्योंकि हमने मेक वाला भी पहले बोला था, बताया था ना एक बार, वो उसके लिए बनाएगा, हंसाएगा, ऐसा करके किया था ना, वहां मेडिम लाफ किया था, ये थोड़ा सा दो तीन सेंटेंस मैंने जोड़ दिया, कॉम्प्लिकेट हो गया। तो यहाँ मूल भाव यही है, किया होता, would have, है ना, आपने रेलवे स्टेशन पर पहले लिखा होता था, अगर मैं प्रधानमंत्री होता, ऐसा हम लोग को लेख लिखने आता था ऐसे, है ना, आप 10 लाइन लिखिए, अगर आप प्रधानमंत्री होते तो क्या करते, आप अपने स्कूल के प्रधानाचार्य होते तो क्या करते, कुछ भी ऐसा चीज, आप मिनिस्टर होते तो करते, ये क्या होगा, इफ आई वुड हैव प्राइम मिनिस्टर, I could have done so and so, so and so. मैं फ्री एजुकेशन कर देता, फ्री मेडिकल कर देता, हर जिला में दो दो मेडिकल कॉलेज खोल देता, है ना, हर जिला में दो दो इंजीनियरिंग कॉलेज खोल देता, इस तरह से कुछ भी हम बोल सकते हैं जो हमारे दिल में हो। तो if I would have, ठीक है, अब यहाँ would have के बाद verb दे दीजिए या object भी दे दीजिए, if I would have प्राइम मिनिस्टर, गांधी जी का एक कोट आता था रेलवे स्टेशन वगैरह पर लिखा होता था कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं पूरे सफाई रखता, सफाई पर ज्यादा ध्यान देता, ऐसे कोटेशन रखता लिखा हुआ रेलवे स्टेशन पर। तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं, आई वुड हैव, ठीक है, आई वुड हैव कम टू माय हाउस, अगर मैं स्कूल जाता, If I would have gone to school regularly, या आप कोचिंग कर लीजिए, ट्यूशन कर लीजिए, If I would have gone to coaching, और If I would have studied hard,
आई कुड हैव सक्सीडेड इन द एग्जामिनेशन और आई कुड हैव एक्सेल्ड इन द टेस्ट, मैं उत्कृष्ट स्थान पाता, है ना। इसमें देखिए कितना संभावना है, अगर मैं कठिन परिश्रम किया होता, समझ रहे हैं, तो यहाँ वुड हैव लग जाएगा, ठीक। इसमें कोई डाउट है वुड हैव में? हम टाइम देंगे आपको, टाइम देंगे, पूछिए, जिनको भी दिक्कत है पूछ सकते हैं। हाँ, अगर कोई डाउट है, क्योंकि प्रिया, प्रिया नाम है ना क्या? नहीं सॉरी, प्राची, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? आ रहा, ठीक। अब बोलो, जो कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं उनको सर एक सेंटेंस बोलना था। हाँ बोलिए बोलिए। यस्टरडे इफ आयुषी शुड हैव कम आई विल गिव सम चॉकलेट्स। हाँ, आई वुड हैव गिवन, है ना। If Ayushi would have come to my house, I would have given, ठीक है, मैं उसको चॉकलेट देता, है ना। आई होती, अगर वो आई होती तो मैं देता, ऐसे कर सकते। नेक्स्ट है, ये भी बोलेगी यार, Ayushi भी बोलेगी। बोलिए बोलिए Ayushi, आप भी बोलिए। Anushka would have come to my house, I will give her some sweets. बिल्कुल आइए, और कोई बोलना चाहते हैं? अनिकेत, आप भी एक बोल दीजिए, बहुत दिन से आपकी आवाज मैंने सुना नहीं, कहाँ घर चल गए हैं? नो सर, एग्जाम टेस्ट चल रहा था। किस चीज का टेस्ट? टेंथ का? सर स्कूल में। आप 10 में है ना? नो सर, 9 में। तो 9 का फाइनल एग्जाम अभी होता, अगस्त में, कौन सा एग्जाम? नहीं नहीं, वो ऐसे टेस्ट टाइप पे चल रहा था, टाइप ऑफ रीजन वगैरह उस टाइप में। अभी एक सेंटेंस आप भी बना दीजिए इसमें उड़ है वाला। इफ आई वुड हैव गो टू मार्केट, आई मस्ट, मिस्टेक, वुड हैव क्या बोला था आपने? लिखा नहीं, हैव जैसे ही आया तो पी वी थ्री हो जाएंगे। अच्छा, आंसर होगा जैसे हैव आ गया, ठीक है, हैव आते ही पी वी थ्री हो जाएंगे। बोलिए, चेंज करके बोलिए। आई वुड हैव की कम का भी थ्री केम होगा, कम केम कम। अच्छा, कम। आई वुड हैव कम, अच्छा, आई वुड हैव gone to market, I must be buy sweet. Must be, क्या बोल रहे? Must be, must have bought sweet. और ये वाला थोड़ा एक बार फिर से समझाइए, इसमें थोड़ा confusion हो गया है। ये तो ठीक है, subject plus would have plus PV3 होगा, ठीक है। हाँ, लेकिन जैसे आपने बोले ना, कल अगर वो मेरे घर आया होता तो मैं उसे मिठाई खिलाता। हाँ हाँ, तो देखिए ये जो दूसरा सेंटेंस है, पहला सेंटेंस इसके मूल भाव को लेके चल रहा है, समझ गया ना। पहला जो है उड़ाए हुआ, पहला हिस्सा में कोई डाउट नहीं है, वाया होता। यस सर, यस सर। अब दूसरा है, हाँ, अब दूसरा हिस्सा जो हमने बोला अपना एग्जाम्पल में जो बोला था कि मैं उसे ढेर सारी मिठाइयां पिलाया होता, है ना। तो एक तो मिठाई खाना होता है और एक होता है खिलाना, तो जहां खाना हुआ वहां तो ईट होगा, आई वुड हैव ईटन, लेकिन यहाँ तो खुद मैं खाई होती ऐसे बात नहीं है ना, खिलाया होता, है ना। एक तो होता हंसना जो कि लाफ हो गया, और एक होता हंसाना, हंसाना को कोई नहीं है, कोई शब्द है हसाना का, कोई एग्जैक्ट इंग्लिश है नहीं, जैसे पढ़ना का है रीड, पढ़ाना का क्या होता है? टीच होता है, टीच, यस सर, टीच होता है, पढ़ाना का है ना, और पढ़ना का रीड, रीड होता है। हसना और हसाना, हसाना को कोई इंग्लिश सुने हैं ना? नहीं, लाफ, उसके लिए लाफ तो हो गया हसना, लाफ्टर, हसना, लाफ्टर,
तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, मेट हिम, जैसे हसाना का हमने पहले बताया था, पहला दूसरा तीसरा दिन ही बताया था कि मेड हिम टू लाफ, है ना। एक तो होता है लाओ, ब्रिंग इट, एक होता है गेट इट डन, हमने बोला था ना डू इट, मतलब आप खुद कीजिए और किसी और से काम करवाइए, तब क्या हो जाएगा, गेट इट डन। वही चीज हम यहाँ बोल रहे हैं कि मेक प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, ईट टू हर, उसको हम खिलाते, ढेर सारी मिठाई खिलाते, आप समझ रहे हैं। यहाँ तो यहाँ हमने एक और पीछे जो ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, मैं कभी नया संदर्भ को नहीं लाता हूँ इसमें, तो हमने ऑलरेडी मेक को, गेट को, ये सब कवर कर लिया। जैसे बताया था ना शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, क्योंकि उसने खुद तो बनाया नहीं ना, आई कंस्ट्रक्टेड दिस मॉडल। अगर आपने कुछ पेपर का मॉडल बनाया तो आप डायरेक्टली कंस्ट्रक्ट किए, लेकिन कोई मिस्त्री बनाया, आर्किटेक्ट था, इंजीनियर था, लेबर था, तो आप नहीं बोल सकते ना आई कंस्ट्रक्टेड, आई गुड कंस्ट्रक्टेड, बनवाया। वही चीज यहाँ भी हो रहा है, खिलाया होता, मेक हर टू ईट, क्लियर हो गया। आप नोट देखिए, आप नोट देखिए, हमें लगता है अभी से कितना दे, दिन तो बहुत हो जाते हैं, महीना महीना हो गया हो गया, लेकिन अगर आप नंबर दे रहे होंगे तो आठवां दसवां नंबर ऐसा कुछ होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हैंड रेस करके खड़ी रहती है। हाँ आयुषी बोलो बोलो बोलो, सर एक सेंटेंस बताना। हाँ बोलो बोलो बोलो। आकाश वुड हैव गोन टू दिल्ली at 6-7 a.m. बिल्कुल सही, ठीक है। नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है, किसी के गुण को बताना है, गुणवत्ता को, है ना, वो कैसा बिहेव करता है, क्वालिटी, ठीक है। तो इसको हम सिंटैक्स में पहले लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव समझते हैं ना, एडजेक्टिव एडवर्ब मालूम है ना, विशेषता बताता है, है ना, किसी नाउन या प्रोनाउन का जो विशेषता बताता है उसे एडजेक्टिव बोलते हैं, और जो वर्ब का विशेषता उसे क्या बोलेंगे, विशेषण एडवर्ब, है ना, क्रिया विशेषण, कैसे खाता है। जब हम पाठों पर सीख, तो आप लोग उससे आगे निकल चुका हूं मैं सिलेबस में, कभी बताऊंगा। तो यहाँ एडजेक्टिव है नाउन या प्रोनाउन का बताइए, जैसे सूर्य गर्म होता है, सर इसका क्या बोले, सब्जेक्ट प्लस क्वालिटी ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव, है ना। सूर्य गर्म होता है, द सन इज हॉट, हॉट क्या है, कोई पदार्थ होगा, चाय कॉफी कुछ भी हो सकता है, आदमी भी कभी कभी गर्म हो जाता है, क्रोध में होता है तो गर्म हो जाता है ना, लेकिन गर्म नहीं होना चाहिए ना, क्रोध में नहीं आना चाहिए, है ना, शीतल रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। तो सूर्य गर्म होता है, अब यहाँ देखिए द सन, द क्यों लगाए, क्योंकि सूर्य तो बहुत नहीं है ना हमारे, वो है खास खास चीज के लिए द लगाते हैं, खास चीज के लिए। द सन और हेल्पिंग वर्ब क्या है, हम था नहीं बोलते, सूर्य गोल होता था, ऐसा नहीं आज भी तो है ना, आज भी एग्जिस्टेंस है, तो इसीलिए है बोल रहे हैं, तो है के लिए हेल्पिंग वर्ब ही जा गया, अगर वाज वाला होगा ऐसा कुछ नहीं लिखी होगा, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब बोला, हेल्पिंग वर्ब कुछ भी हो सकता है, इज वाज वेयर हैव बीन शुड हैव बीन, ये सब कुछ भी हो सकता है ना। और लास्ट में क्या हो गया, एडजेक्टिव, सूर्य गोल होता है ना, होता है, द सन इज हॉट, सूर्य गर्म है, द सन इज हॉट, ये भी आप कह सकते हैं,
लेकिन यहाँ हम जो बोल रहे हैं क्या होता है, होता है, इसका स्वाभाविक है, सूर्य कभी ठंडा होता ही नहीं, 24 आवर्स जलते ही रहते हैं। तो हमारा संदर्भ यहाँ एडजेक्टिव की तरह, पृथ्वी गोल होता है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड। ये क्या है, क्वालिटी बता रहा, इसका सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट कौन है यहाँ, पृथ्वी है, सूर्य है, कोई भी आदमी भी हो सकता है। नेक्स्ट, हाँ बोलिए अनुष्का। सर, अर्थ की असल में शेप गोले होती है ना? क्या सर, अर्थ की असल में शेप राउंड नहीं होती है ना, सर्कल? हाँ, सर्कल जो पियर शेप होते हैं, पियर शेप ये सर गोड़े करके शेप होती है। हाँ, नाशपाती क्या करता है, GEOLD। नेक्स्ट, नेक्स्ट है किसी गुण में, ये टाइटल, ये टाइटल, किसी गुण में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस इन प्लस ऑब्जेक्ट, किसी गुण में, जैसे आप बोल सकते हैं कि आयुषी पीली फ्रॉक में है, फ्रॉक बोलते क्या बोलते हैं उसको, फ्रॉक ही है ना, हाँ पीली फ्रॉक में है, आयुषी इज इन येलो फ्रॉक, आई एम इन चिकर्ड शर्ट, आई एम इन चेकर्ड शर्ट, मैं चेकर्ड शर्ट में हूं, मेरा दोस्त सफेद कुर्ते में है, इसका मतलब क्या हुआ, वो सफेद कुर्ता पहना है ना, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं, हम क्या बोलेंगे, माई फ्रेंड इज इन वाइट कुर्ता या सलवार या कमीज या जींस, जो भी कहना, यानी कि वो किसी खास गुण में है ना। तो हम इस तरह से सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस इन प्लस ऑब्जेक्ट कर देते हैं, ठीक है। वो पहने हुए है, इतना लंबा हम बोलेंगे, उससे अच्छा बोल दे इज इन सूट। सर ये भी तो हो सकता है वो ऑफिस में है, ऑफिस नहीं तो यहाँ, ये तो उसके स्थान को दिखाया ना, इज इन ऑफिस, मेरा जो यहाँ संदर्भ है किसी गुण में, समझ रहा, ऑफिस में होना तो कोई गुण नहीं हुआ ना, वो उसका प्लेसमेंट पोजीशन को दिखा रहा है कि नहीं। लेकिन यहाँ इनका जो इस्तेमाल हमने बताया, क्या बताया, एक गुण हो गया ना, सफेद कपड़े में है, काले कपड़े में है, या किस तरह के वेशभूषा में है कि नहीं, उसकी गुण को दिखा रहा है, इज इन ऑफिस भी बोल सकते। अगला है न कर सकता है, न कर सकता है या न कर सकोगे, न कर सकता है या न कर सकोगे, किसी पर घोर संभावनाएं हैं तो हम इस तरह से बोल सकते हैं। जैसे हर व्यक्ति तो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता ना, तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि तुम प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हो, न बनोगे, है ना, क्योंकि 140 करोड़ है, इसमें तो एक ही आदमी तो 15 साल के लिए बैठ गया, तो कितने आदमी का पत्ता काट दिया, है ना, सारे पत्ता कट ही गए ना, पता होगा फिर विश्वा में भी आ गया तो और कितने आदमी का पत्ता कट जाएगा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि यू कैनॉट एंड शैल नॉट, सब्जेक्ट प्लस कांट एंड शैल नॉट, फिर से न बन सकते हो न बनोगे, तुम प्रधानमंत्री न बन सकते हो न बनोगे। अब राहुल गांधी के बारे में, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव के बारे में ऐसा बात मत बोल दीजिएगा,
क्योंकि अभी वो सबसे आयु बचा हुआ 30-40 साल, क्या पता कब चक्र घूमे और राहुल गांधी तेजस्वी यादव भी मुलायम अखिलेश यादव भी प्रधानमंत्री बन जाए तो हमारी बात झूठी हो जाएगी। इसने तो बोल दिया था कि बन नहीं सकते हो न बनोगे, है ना, तो ऐसा बोलना गलत हो जाएगा। आप चैट में लिख दिया करो बच्चा, ठीक है, आप कंटिन्यू हैंड रेजर है ना, आप चैट में लिख दो, मैं पढ़ के बता दूंगी, ठीक है, क्योंकि वो फ्लो टूट जाता ना बच्चा जब पढ़ाने वाले का, ठीक है, सॉरी भैया। यू कैनॉट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस कैनॉट एंड शैल नॉट और पीवी वन, यहाँ पीवी वन लेंगे अगर कोई कार्य होगा तो कुछ काम करने की बात है, और जैसे अभी मैं प्रधानमंत्री का बोला तो ये तो पीवी नहीं आ रहा, कोई क्रिया नहीं है या ऑब्जेक्ट है, तो दोनों चीज हम ले सकते हैं, जब बनने की बात हो गई और कुछ करने की बात है। अभी जैसे तेज दौड़ने की बात है 20 किलोमीटर पर आवर, तो हम क्या बोल सकते हैं, यू कैनोट एंड शैल नॉट रन 20 किलोमीटर पर आवर। किसी भी व्यक्ति की क्षमता, किसी बच्चे की क्षमता या जिसके बारे में आप बोल रहे हैं उसकी क्षमता से आप अवगत है, उस लिमिट को पार करके वो नहीं कर सकता। कोई बच्चा को आप जान रहे हैं कि ये 8 घंटा पढ़ सकता है या 4 घंटा पढ़ सकता है, तो उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि 4 घंटा पढ़ने वाला क्या बच्चा बनेगा। इसका आईक्यू लेवल अगर 60-70 है या 120 है तो आप बोल सकते हैं कि अगर ये 120 है तो ये तो बहुत बड़ा महान कार्य कर सकते हैं, बहुत महान बड़े पोस्ट पर जा सकता है। यहाँ ये चीज यूज हो जाएगा, यू कैनॉट एंड शैल नॉट बी ए साइंटिस्ट, क्योंकि उसका आईक्यू लेवल ही 70-80 के आसपास रहता है, तो कहाँ वो साइंटिस्ट वैज्ञानिक बन नहीं सकता, इतना लॉजिकल बात गहराई में बात वो कर नहीं सकता, है ना। इसी को एक फिल्टिंग भर्ब ले लीजिए, यू कैनॉट एंड शैल नॉट वॉक फास्टर देन मी। अगर वो बच्चा है या वृद्ध है या महिला है और आप हट्टे कट्टे हैं तो आपसे तो तेज नहीं दौड़ सकता, या दौड़ सकती है तो आप बोल सकते हैं, है ना, यू कैनॉट एंड शैल नॉट रीड फास्टर देन मी। किसी को बिल्कुल ही आप चुनौती दे रहे हैं, न तो कर सकते हो न करोगे। यहाँ पे ये ध्यान देना है, दोनों के लिए एक ही भर्ब यूज हो रहा, अलग अलग भर्ब नहीं यूज हो रहा, दो हेल्पिंग भर्ब भले इस्तेमाल हो रहा, कैनॉट एंड शैल नॉट दो तरह का हो रहा, लेकिन भर्ब एक ही है ना। और वो भर्ब जो है वो कैन जब हम यूज करते थे तो कैन में हम टीवी वन लेते थे, कैन का भी एग्जाम्पल हमने दे दिया। इसी तरह से शैल भी जब हम यूज करते थे तो टीवी वन यूज करते थे, ठीक है, तो यहाँ भी टीवी वन ही। और आज का एक लास्ट बता देता हूँ, इसके बाद डाउट लेंगे आप लोग का, ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोगों ने सुना होगा, नोटिस नहीं किया होगा, नोट करते जाइए। नोट ये जो है ना आपका एक ट्रेजर बोलते हैं, खजाना, खजाना बन रहा है, बस अभी आप इसको पढ़ते रहिएगा और लिख के रख दिया ना, कभी देखते ही रेफर नहीं किए तो फिर फायदा नहीं हुआ, आपको इसे रेफर करते रहना है, ठीक है, जो ट्रेजर है ना, जो खजाना है और कहीं जाके जंगल में डाल दिया तो क्या फायदा। ई टाइप का पहले मैं उदाहरण ही बोल देता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। हम लोग सदैव लिखा देखते हैं, बोला जाता है जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, है ना। इसका बाह सिंपल आप याद रख लीजिए, द वेरी 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 गुड होता ना, वी ई आर वाई, ये प्रीफिक्स है, वाटर इज लाइफ, द वेरी एक्सप्रेस है, ये लग जाता है, द वेरी का मतलब ही वाला जो है वो आ जाता है, अदरवाइज आप बोलेंगे जल ही जीवन है, वाटर इज लाइफ, ये हो गया, जल जीवन है, वाटर इज लाइफ का मतलब हो गया। लेकिन हम बोल रहे हैं जल ही जीवन है, क्योंकि हमारे शरीर का 70% हिस्सा जो है जल से ही बने हुए हैं, तो निश्चित है ये जीवन के लिए बहुत ही बहुमूल्य है ना। हम 3 दिन तक चल सकते हैं भोजन के, लेकिन जल के बिना 1 दिन के बाद भी देखते हैं ना, छठ में हमारी महिलाएं करते हैं निर्जला और ऐसे
एक दिन में उनका पूरा इम्यूनिटी डाउन हो जाता है। जीवतिया सर। हमारे कई ऐसे धर्म है जिसमें जला रख के पूरा इम्यूनिटी को ध्वस्त कर देने का विधान रखा गया है। वंशिका बहुत देर से हैंड रेज की है, बोलो बेटा। बोलिए। आपने बताया ना कर सकोगे या ना कर सकते हो, किसका रूल बता दीजिए एक बार। इसका सिंटैक्स बोल दूँ, नोट कीजिए। सब्जेक्ट प्लस कैनोट एंड सैलोट प्लस ईवी वन, न कर सकता है या न कर सकोगे, नोट कर लिए। आज मैं ज्यादा टॉपिक नहीं कवर करूंगा, थोड़ा ही कवर करूंगा। ना बचने वाला भी आयुषी लिखी है, यू कैन नॉट मेड द हलवा, ओके। फिर यू कैन कांट वॉक 3 किलोमीटर। अलग अलग यहाँ हम कैनोट एंड सैलोट दोनों को कंबाइन कर दे रहे हैं, ये इस टाइप की खासियत है। अदरवाइज सैलोट तो हमने फ्यूचर टेंस में देखा, कैनोट भी देखा है ना। अब एक लास्ट की वाला, जल ही जीवन है, द वेरी वाटर इज लाइफ, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप अपनी दोस्तों से पूछ लीजिएगा यही चीज, बताओ, बहुत ही कम चांस है जो द वेरी का यूज करता है, वो बोल देगा वाटर इज लाइफ। वह शुरू से ही पढ़ने में तेज था, he was brilliant from the very beginning। बोलते ना होनहार वीरवान के बहुत चिकने पात, कोई बड़ा अच्छा पद पर चला गया तो हम बोलते ना कि अरे हाँ वो बड़ा अच्छा था, बड़ा तालीम था उसके व्यवहार। होनहार चिकने पात, होनहार वीरवान के बहुत चिकने, ऐसे कुछ बोलते हैं ना। हाँ सर ऐसे ही बोलते हैं, बच्चा कोई नहीं समझेगा वो। ये सब क्या ऊपर से लिखी है, ऐसा इंग्लिश मीडियम वाला ना पूरा। हम भी तो सर इंग्लिश मीडियम वाले, तो हम कैसे समझ रहे हैं सर। समझ में आता है, तो समझ में आता है या सुनी है वो सर, समझ में आता है, आता है ना। चलो वो भी हम आगे क्लास में भी लेंगे। जो सुनने वाला होता है बचपन में चीना जाता है। तो ये हम फिर आगे पढ़ाएंगे, फ्रेज वगैरह पढ़ाएंगे, उससे हम कैसे अपने वाक्यों को लक्ष्यदार बनाते हैं, अपने भाषण को, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं। तो आम बोलचाल की भाषा होगी, तो हम आम बोलचाल से तो ऊपर उठ गए ना। अब हमें कैसे सौंदर्य, कैसे प्रभावित करने वाला, इम्प्रेस करने वाला लैंग्वेज सीखना है, बोलना है, समझना है, ये चीज हम इस क्लास में मिली टारगेट करते हैं। तो वह शुरू से ही तेज था, ही वाज ब्रिलियंट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। वही लड़का नहीं पढ़ता है, कोई लड़का ऐसा होता है ना क्लास में, वही बार बार शैतानी करता है, वही बार बार मरमरिंग करता है ना। दैट वेरी बॉय, वही लड़का ऐसे टारगेट होता है ना, वो कोना में जो बैठा हुआ है ना, कोना में जो बैठा हुआ है वही हमेशा शैतानी करता है, कुछ न कुछ गप करते रहता है। दैट वेरी बॉय हु इज सिटिंग इन द राइट कॉर्नर इज टॉकिंग ऑलवेज और मरमरिंग ऑलवेज और स्लीपिंग ऑलवेज, है ना। अगले बेंच पर ही बैठ के कोई सो रहा, द वेरी बॉय या दैट वेरी, अगर वह करना है ना, अगर वह दूर में बैठा हुआ या नजदीक ही बैठा हुआ, तो दिस वेरी बॉय भी बोल सकते हैं। दिस वेरी बॉय सिटिंग इन द फर्स्ट बेंच इज स्लीपिंग, ऐसे बोल सकते हैं, या नैपिंग, सोएगा तो नहीं, झुकेगा है ना ऐसे थोड़ा थोड़ा, तो नैपिंग बोलते हैं, कहते हैं। अब एक और अंतिम सेंटेंस, अध्ययन ही हमें विद्वान बनाता है, ठीक है। जैसे बोलते हैं कि आप अगर एक्सरसाइज करेंगे, अभ्यास करेंगे, योग करेंगे, तो तंदुरुस्त होंगे, है ना। अगर नौकरी जाएंगे तो वहां से सैलरी मिलेगा, व्यापार करेंगे तो आपको धन मिलेगा,
तो अलग अलग कार्य से हम अलग अलग बनते हैं। इसी तरह से जब आप अध्ययन करेंगे तो अध्ययन करने के बाद क्या आदमी बनता है? विद्वान बनता है ना। ऐसा नहीं कि आप अध्ययन कर रहे हैं और धनवान हो गए, अध्ययन कर रहे हैं और पहलवान हो गए। सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि सब कुछ एक बैलेंस संतुलन मात्रा में। ऐसा ना कि 8 घंटा 9 घंटा हम पहलवानी ही कर रहे हैं, दिन भर जिम में घुसे हुए हैं, सलमान खान की तरह 8 घंटा जिम में ही रहते हैं तो काम नहीं चलेगा भाई, है ना। उसके तो इतने धन है, एक फिल्म करता है 25 करोड़ आ जाता है सर। वो तो मतलब कि उसके लिए तो 8 घंटा रहता है ना। हाँ, क्योंकि उसका पैसा उससे कनेक्टेड है ना, उसका डिमांड इसीलिए है क्योंकि उसका ऐसा बॉडी है ना, सिक्स एब्स है। बाकी आदमी के लिए तो इस तरह से पैसा नहीं। तो हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, अध्ययन ही हमें विद्वान बनाता है। द वेरी स्टडी मेक्स अस स्कॉलर, इसी तरह से आप बोल सकते हैं। द वेरी रेगुलर एक्सरसाइज, द वेरी प्रैक्टिस ऑफ रेगुलर योगा मेक्स अस हेल्दी। किसी भी चीज के लिए आप बोल सकते हैं। जैसे मैंने बोला ना, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप अगर बिजनेस में 12 घंटा काम कर रहे हैं, कोई स्टार्टअप खोले हैं, 14 घंटा घर आके भी उसी के प्लान बना रहे हैं कि किस तरह से और हम अपने बिजनेस को इम्प्रूव करेंगे, तो आपका स्टार्टअप ग्रो करेगा दिन दुना रात चौगना। एक साल में पता लगा 10 times 10x हो गया, ग्रो कर जाएगा, है ना। तो द इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, द वेरी हार्ड वर्क मेक्स अस सक्सेसफुल इन आवर लाइफ। जीवन का जो मूल मंत्र है वो क्या है, परिश्रम ही हमें सफलता दिलाता है। इसका कोई काट है, ये अलग बात। हम सब किसी न किसी शॉर्टकट के चक्कर में पड़े रहते हैं। लगता है कोई बाबा जी जंतर मंतर दे दें, कोई मंत्र ऐसे फूक दें, कोई पूजा पाठ करा दें, कुछ इधर पाना दें, कुछ इधर पाना दें, कुछ ऐसे ऐसे कर दें और हमारा उद्धार हो जाए। लेकिन अंतिम वाक्य क्या है, द वेरी हार्ड वर्क मेक्स अस सक्सेसफुल। आपको कठिन परिश्रम ही महान बनाएगा, सफलता दिलाएगा। अगर थोड़ी भी लेजीनेस है, आलस्य है, हम लोग क्या बोलते हैं, काहिलपन है ना, अभी इंग्लिश में बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, बात को काम को टालने की आदत, लिख लीजिए प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं, काम को टालने की आदत। द वेरी प्रोक्रेस्टिनेशन स्पेलिंग द स्कोर ऑफ फेलर, प्रोक्रेस्टिनेशन यही जो टालने की आदत है, टालने की ही आदत जो है ये हमें असफल बनाता है। द वेरी क्या बोले उसके क्या बोले बॉस प्रो के पिसा, हाँ प्रो पी आर ओ काम को टालने का आदि कुछ नहीं है, कल कर लेंगे, शाम में कर लेंगे, फिर कोई और कर लेगा तो आधा अधूरा ही कर देते हैं, ऐसा होता ना। ये सब जो है आलस्य, आलस्य ही हमें फेलर दिलाता है। द वेरी हैबिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, यहाँ मैंने आपको दोनों चीज बता दिया। द वेरी हार्ड लेबर मेक्स अस सक्सेसफुल, शिक्षक का काम सिर्फ, जैसे मैं अंग्रेजी बता रहा हूँ तो सिर्फ अंग्रेजी बताना नहीं होता, शिक्षक का काम यह भी है कि तो उसको आचरण भी सिखाए, संस्कार भी बताए, है ना। क्योंकि ये कुछ दिन के बाद जो अंग्रेजी में बोल रहा हूँ बार बार कंपटीशन में पढ़ने, ये सब खत्म हो जाता है, इसकी जरूरत खत्म, इसके लेवल से आप ऊपर चले जाते हैं। लेकिन असली जीवन जो शुरू होता है उसमें हम कितने ढंग के मनुष्य बने हैं, है ना, इस समाज के लिए कितने उपयोगी हो पाएंगे, ये तभी आएगा जब हम सच्चे आचरण आचरण आएंगे, जब हम सही चीज समझेंगे, सीखेंगे, फिजिकल चीज सीखेंगे, ठीक है। चलिए आज हमने 5-6 टाइप का बताया, एक बार मैं जस्ट क्विक रिकैप कर देता हूँ। पहला हमने बोला कोई काम करता होगा, दूसरा कोई काम किया होगा, कोई काम किया होता, क्वालिटी ऑफ सब्जेक्ट, किसी गुण में
कपड़े वाला जो कुर्ता में पैजामा में बताया, मैं कर सकता है या कर सकोगे और ही टाइप बताया। तो इस तरह से आज हमने 7 टाइप्स ऑफ बताया। अब ये 7 टाइप अगर किसी को डाउट है तो आप डाउट पूछ सकते हैं, और अदरवाइज ये 7 टाइप आपने लिख लिया, ये 7 के कम से कम 5-5 सेंटेंस आप लोग जरूर बनाइए, खुद बनाइए, उसे लिखिए, देखिए, क्योंकि आपके पास समय की कमी है, हमारे पास और भी समय भयंकर समय की कमी है। हम लोग पढ़े थे, पैसा दे दे के 20-25 रुपये महीना 6 दिन जाते थे और वहाँ पिटाई भी खाते थे, वहाँ होमवर्क देते थे, लेते थे, पहले समय बहुत था। आजकल तो समय आप लोग के पास भी नहीं है, तो आज समय की कमी है तो सिंसियरिटी ज्यादा चल रही है। आप लोग ज्यादा रिस्पॉन्सिबल, खुद तैयारी कीजिए और पढ़िए। अब बोलिए आयुषी, बोलिए आयुषी, बोलिए बोलिए बोलिए। He was the air, the very air is life. The very, yeah, मैं सुन नहीं पाया, फिर से बोलिए। The very air is life. हाँ, हवा ही जीवन है, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हवा के बिना तो 5 मिनट भी नहीं रह पाएंगे, है ना। बहुत प्राणायाम अगर करते हैं उसमें कई होते हैं ऐसे, तो करीब 4-5 अभी तक कितना विधि बता पाएंगे, 10-12 मिनट का शायद ऐसा रिकॉर्ड है कुंभक का। सर एक मूवी में वो क्या नाम है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी 30 मिनट तक रोकता है ना। वो सब फालतू बात है। इसमें चैट में बच्चों ने बहुत सेंटेंस लिखा है भैया, तो क्या सही है क्या गलत है, एक बार आप चैट देख लेंगे या मैं पढ़ के कोई बच्चे सुनाएंगे। आयुषी कुमारी ने लिखा है, फिर अनुष्का यहाँ देखिए क्या गलती हुआ, कैन के साथ टीवी 1 लगेगा, ठीक है, कैन में ये सब के साथ मेक कीजिए। नेक्स्ट है, यू कैनोट वॉक 3 किलोमीटर, ये सही है, यू कैनोट मेड, हाँ देखिए फिर से, आयुषी लिखेंगे, यू कैनोट मेड ए डॉक्टर, यू कैनोट बिकम ए डॉक्टर, ठीक है, बिकम BECOM आप बन नहीं सकते यहाँ कैनोट, और जब कैनोट हम लिखते हैं तो कांट इस तरह से, जैसे ऊपर में आपने कांट किया ना ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट है, द वेरी फूड इज लाइफ, ये सही है, हमारा भोजन ही जीवन है, मतलब खाते रहो यही जीवन है ना। नेक्स्ट है, दिस वेरी बॉय हु इज सिटिंग इन द सेकेंड बेंच, हाँ ऐसे करके उसको आगे और बना सकते हैं, कंप्लीट सेंटेंस नहीं है लेकिन ये सही है, वह लड़का जो दूसरे बेंच पर बैठा हुआ है, आगे आप कर सकते हैं। ये कंप्लीट अभी क्या हुआ, ये सब्जेक्ट बना, अब ये क्या काम करेगा, द वेरी बॉय हु इज सिटिंग इन द सेकेंड बेंच इज डूइंग न्यूसेंस, इज वेरी इंटेलिजेंट, ऐसे बोल सकते, ठीक है, ये सही है। यू कैनोट बिकम ए डॉक्टर, हाँ ये भी सही है। तो बेटा जल्दी और कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना बताना है बोलिए। सर एक डाउट है, बोलिए बोलिए। सर ये जो वी टाइप में है तो इसमें कैन नॉट और शैल नॉट मिक्स, मतलब साथ में रखना है या फिर कैन नॉट और शैल नॉट अपने अपने सेंटेंस में लगाना है। ये देखिए, ये क्या हमने एक टाइप बोला, आप कैनोट को अलग बना सकते हैं, लेकिन कैनोट का सिलेबस मैंने पहले ही पूरा कर दिया, सैलोट का भी कर दिया, ठीक है, यहाँ हमने दोनों को कंबाइन कर दिया, सैलोट कैनोट एंड सैलोट कर दिया, जो आज मैंने बताया सिलेबस था, इसमें हमने दोनों को कंबाइन करके बोला, ठीक है, मतलब किसी को आप बोल सकते हैं कि किसी को कर्स ही करना है, किसी को श्राप ही देना है,
कि तुम कर नहीं सकते हो, ऐसे श्राप देना नहीं चाहिए, है ना, नेगेटिव वर्ड है, नहीं देना चाहिए किसी को कभी भी। लेकिन यहाँ वही उसी तरह का भाव है, नहीं कर सकते हो, करोगे भी नहीं, है ना, मतलब सीधा से ये भाव हो रहा कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, है ना, तुम्हारे कैपेबिलिटी से बाहर है। तो इस तरह का हम करेंगे कैनोट एंड शैल नॉट, दो हेल्पिंग वर्ब है लेकिन एक ही प्रिंसिपल वर्ब है, ठीक है। और कोई डाउट है बोलिए। हाँ बिल्कुल सही सेंटेंस। और किसी को डाउट है कोई? हाँ गीता शर्मा बोलिए। हाँ विंसिका, गीता शर्मा बोलिए, कोई डाउट है? आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है, उसका हिंदी भी लिखिएगा और इंग्लिश भी लिखिएगा, ठीक है। और हम टाइम देंगे, आज तो बस ऐसे ही बोलते है ना, एक मैं देर होता नहीं देर हो जाता हूँ, है ना, मैं देर करता नहीं आपका तो आज पहला क्लास है गीता शर्मा का। मैम का फर्स्ट पिछली बार की थी, इसी की फ्रेंड है, अच्छा। उसका की ही फ्रेंड है, ठीक है। अभी हमारा क्लास चलते रहेगा, जब तक आप लोग रहेंगे तब तक हमारा चलते रहेगा, नए नए चीज। मैं कोशिश यही करूंगा कि हम हर दिन कुछ ना कुछ नया आप लोगों को बताऊं, अब आप लोग पर निर्भर करता है कि कितना आप सीखते हैं, ठीक है। और किसी को कोई डाउट? नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुभरात्रि। शुभरात्रि भैया, धन्यवाद। शुभ रात्रि सभी को, खाना खाइए। शुभ रात्रि, समय हो गया 9:15। शुभ रात्रि मैम, शुभ रात्रि मौसी।